कौन बोलेगा, कौन रोकेगा, बाबा जी की जो सरकार है। और रोड पर ही शव को जलाया जा रहा है। नमस्ते आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबने मेरा पिछला व्लॉग तो देखा ही होगा। तो गंगा नदी से जो सट के जो गाँव है वो पूरा भर गया है पानी से, पूरे गाँव में जो है पानी भर गया है और बहुत से गाँव डूब भी चुके हैं और बहुत से डूब रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं कि पानी इतना बढ़ गया है कि शहर के जो आसपास के जो मोहल्ले हैं, जो गंगा घाट से सटे हुए हैं, जो आसपास के शहर के मोहल्ले हैं, उसमें भी पानी जो है अब धीरे धीरे भर रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। तो चलिए, आज जो है मैं जो मोहल्ले में पानी जो भर रहा है और लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, आज मैं आप सबको वो दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है मैं नखास और सामने तुलसिया के पुल के पास खड़ा हूँ और सामने रोड पर जो है पानी लग गया है, आगे रोड पर पानी लगा है। मैं आप सबको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों, आप देख सकते हैं लोग कैसे सड़क पर जो है पानी लगा हुआ है और लोग कैसे उसी में से आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी अगर और बढ़ जाएगा तो लोगों के घर में भी घुसना शुरू हो जाएगा पानी। यहाँ पे पानी लगने का रीज़न आप सबको बता दूं कि आगे जो है नाला जो है वो पास नहीं हो पा रहा है, नाले का पानी, इसलिए पानी जो है यहाँ पर रोड पर लग गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, और भी जहाँ जहाँ पानी लगा हुआ मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो आप सब ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है मैं जो हूँ अभी नखास से थोड़ा सा आगे हूँ। तो पीछे रोड आप देख रहे हैं, वो लकड़ी के टाल जाती है रोड, पीछे पूरा पानी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी और अगर बढ़ेगा तो लोगों के घर में भी पानी जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए, और भी जहाँ जहाँ पानी लगा है मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो चलिए, आप सब मेरे ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। ये मैं शहर के शमशान घाट आ गया। यहाँ पर लोगों के अंतिम संस्कार होते हैं और बता दूं कि पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि घाट जो है पूरा डूब गया है और रोड पर ही शव को जलाया जा रहा है, क्योंकि और कोई जगह तो है नहीं। यहाँ पर कम से कम एक दिन में 10-12 शव आ रहे हैं और रोड पर ही उसको जलाया जा रहा है, क्योंकि पानी जो है एकदम लबालब भर चुका है। तो आप ये देख सकते हैं, रोड पर जो है बहुत सारे शव जले हुए, ये जली हुई लकड़ियाँ हैं और राख वगैरह सड़क पर ही आप सबको दिख रहा होगा। और यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर लोग आए हैं, इसलिए थोड़ा भीड़ भी लग रही होगी। ये देखिए, रोड पर ही जला के लोग चले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूरी है। तो दोस्तों, अभी जो है मैं शहर के बहुत पुराने घाट यानी पोस्ता घाट पर आया हूँ, ये आप पीछे देख सकते हैं। और पीछे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा पानी जो है लबालब भरा हुआ है। लोग शव को जलाने के बाद लोग यहाँ पर आते हैं, आराम वगैरह करते हैं, बैठते हैं, और यहाँ से जो शव जलता है तो यहाँ से लोग बैठकर देखते हैं, उनके परिजन, उनके घर वाले। ये देखिए, पूरा घाट जो है पूरा उसके बाहर पानी रोड पर आ चुका है। ये आसपास लोगों की दुकान है, लोगों के घर हैं, पानी जो है धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो आप सबको बता दूँ कि वो लोग इस सीढ़ी से लोग जो हैं यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ से देखते हैं। तो मैं भी अभी ये पीछे वाले रास्ते से, पीछे सीढ़ी है उस रास्ते से, मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ और आप सबको दिखाता हूँ पानी कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ये आप देख सकते हैं, पानी कितना ज़्यादा भर गया। यहाँ पर लोग बैठे भी हैं, ये देखिए हैंड पाइप भी पूरी आधी डूब चुकी है। यहाँ पर सड़कों पर पानी आ रहा है, लोगों के घरों में पानी अब जाएगा। यहाँ पर बहुत दूर तक सिर्फ रेत ही नज़र आती थी, लेकिन अब वक्त वो वाला नहीं है, पानी अब बहुत ज़्यादा यहाँ भर चुका है। ये सामने मेरी स्कूटी खड़ी हुई है। तो चलिए, यहाँ से चलते हैं, अब और भी आप सबको और भी जगह दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। हमेशा इस गली में जो है जाम लगा रहता है। ये है पुरानी सट्टी, ये आप देख सकते हैं। ये हम लोग आ गए हैं शहर के स्टीमर घाट और यहाँ पर दिखाता हूँ आप सबको पानी। ये देखिए, ये रोड है और रोड पर आ गया है पानी, आगे जाने का रास्ता जो है बंद।
सामने एक बंदा है, शायद मेरा कैमरा देख लिया इसलिए वो पोज दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए जो है इसको अब पार करते हैं, ये देखिए पीछे देख सकते हैं, इसको पार करते हैं उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए मैं इसको पार कर रहा हूँ, अगर स्कूटी बंद हो गई बाई चांस सब तो हालत ख़राब हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप सबने देखा कि पार करके रोड पर जब पूरा पानी भर गया है, और उसी रोड पर पानी भर गया और पार करके उसको आना पड़ रहा है, तो और आसपास लोगों का घर भी है, तो धीरे धीरे पानी जो है बढ़ रहा है। आप सबको बता दूं कि लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है बाढ़ का पानी भर रहा है। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो 1978 का रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएगा। तो आप सबको बता दूं कि ऐसे ही बढ़ रहा है, अब देखिए कब रुकता है कब नहीं रुकता है। तो चलिए, और भी बहुत सारा घाट है जो आप सबको दिखाते हैं, आप सब मेरे ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, चलिए चलते हैं। तो अभी जो है मैं आ गया हूँ कलेक्टर घाट, जो उसकी रोड है, साइड में नाला है, अब नाला जो है फुल हो गया, नाला है साइड में जो फुल हो गया है, पर पानी जो है बहुत जल्द रोड पर अब आ ही जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैं शहर के कलेक्टर घाट आ गया। इसको देखने के लिए भीड़ भी देख सकते हैं आप लोग, पानी देखने के लिए भीड़। ये देखिए सामने स्ट्रीट लाइट दिख रही होगी आप सबको, आधी स्ट्रीट लाइट जो है वो डूब चुकी है। ये देखिए रोड के बगल में जो जस्ट नाला है जो पूरा भर गया है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत जल्द थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा तो ये रोड पर पानी आएगा, और आसपास लोगों का घर भी है तो पानी आएगा, पानी भर जाएगा, ये आप देख सकते हैं। लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है पानी बढ़ रहा है, तो शहरों में पानी घुस रहा है, देख सकते हैं आप। और इस पानी देखने के लिए भीड़ लोगों की, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं अब शहर के सबसे मशहूर घाट, शहर का जो है घाट। ये देखिए आपदा को अवसर में बदलने लोग आए हैं यहाँ, ऐसा लग रहा है कि पिकनिक मनाने यहाँ पर लोग आ रहे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं, सरकार की कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। और बगल में मंदिर भी है, देख ही सकते हैं। कौन बोलेगा, कौन रोकेगा, बाबा जी की जो सरकार है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब ने इस वाले घाट को देखा, फिल्म फैक्ट्री घाट को देखा, कितनी ज़्यादा भीड़ है, एकदम जो है परेशानियों को अवसर बना दिया गया है, जैसा लगता है कि परेशानियों को अवसर बना दिया गया है यहाँ पर लोगों के लिए। कोई डूब रहा है, किसी का घर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो अवसर बना के लोग आ रहे हैं देखने के लिए, पार्क बनाए हुए हैं लगता है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। पूरे सरकार की गाइडलाइन की जो है कुछ धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, आप सबको बता दूँ कितनी ज़्यादा भीड़ है। लोग वैसे ही खड़े हैं, पूरा स्टॉल वगैरह लगा है, दुकान वगैरह लगी है। तो आप सबको बता दूँ कि किसी के लिए परेशानी है तो किसी के लिए अवसर है। तो चलिए घर चलते हैं, उसके बाद घर चल कर आप सबसे मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं घर पे। ये आप सबको बता दूं कि साइड साइड में जो स्टॉल लगाई गई है, ये कुछ दिन के बाद रक्षाबंधन है तो उसी का ये स्टॉल है, राखी वगैरह बिक रही है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए ये स्टॉल लगा है, अभी हम लोग जो है महुआ बाग में हैं, ये साइड साइड में स्टॉल लगा हुआ है, राखी है शायद 23 को है, कन्फर्म नहीं हूँ मैं, उसी का स्टॉल लगाया गया है। चलिए घर चलते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। दोस्तों अभी जस्ट मैं घर आ गया, और आप सब तो अफीम फैक्ट्री घाट तो देख ही लिए होंगे किस तरीके की वहाँ पर आपदा को अवसर बनाया जा रहा है, कोरोना गाइडलाइन का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, आप सब तो देख ही लिए होंगे। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बगल में मंदिर भी है, और अब जो है पुलिस प्रशासन से लेकर योगी सरकार तक किसी को कुछ नज़र नहीं आएगा, कोरोना इस चीज़ से नहीं होगा, मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ है, कोरोना नहीं फैल सकता,
लेकिन मुहर्रम का अगर जुलूस होगा तो उसमें कोरोना ज़रूर फैल जाएगा, सबको कोरोना ज़रूर हो जाएगा। ये जो दो तरीके का भेदभाव है ये बिल्कुल गलत है। खैर, आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख़त्म, टाटा, बाय बाय।